बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका सुनिया। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं और साथ में यह भी निवेदन करता हूं कि एक आधी मिनट धीमी गति के समाचार थोड़ा क्षमा करना। अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला कहने को तो सिंचित क्षेत्र है, पर अब की बार काश्तकारों के साथ बहुत ही कुठाराघात हुआ है। ईश्वर ने भी कर दिया और सरकार ने भी कर दिया, और राखा कमी कसर बीमा कंपनी ने भी नहीं छोड़ी। अध्यक्ष महोदय, नहरों में पानी नहीं होने के कारण से फसलें नष्ट हो गई। वर्षा के अभाव में बरानी क्षेत्र में मूंग, मोठ, ग्वार, तिल जो फसल बोई गई थी वो वर्षा नहीं होने के कारण से पूर्णतया नष्ट हो गई। और इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, बिजली के अभाव में जिन लोगों के ट्यूबवेल लगे हुए थे उनकी फसल भी पूर्णतया नष्ट हो गई। मैंने बार बार मंत्री महोदय से निवेदन किया कि दो दो महीने तक जीएसएस का ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता, इससे ज्यादा दुखी बात हो नहीं सकती। बार बार प्रयास करने के बावजूद 6 घंटे लाइट मिलती है और उसके अंदर 8-8 बार कट लगते हैं, तो सिंचाई कैसे होगी? अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि पूरा क्षेत्र अकाल ग्रस्त घोषित करके अकाल रात कार्य तुरंत खोले जाएं और जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है उनको शीघ्र अति शीघ्र मुआवजा दिया जाए, और बीमा राशि भी दिलवाने में जो राज्य सरकार की तरफ से त्रुटि रहती है, कभी समय पर पैसा नहीं जमा होता, कभी पटवारी का नाम गलत बता दिया जाता है, कभी क्षेत्र का नाम गलत, कभी काश्तकार का, इस तरह से हजारों काश्तकार भटक रहे हैं, दर दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं। तो सरकार समय रहते हुए इस पे कार्रवाई करके जिन काश्तकारों ने बीमा राशि जमा करवा दी उनको बीमा राशि मिलनी चाहिए, ये व्यवस्था सरकार करे। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि शीघ्र अति शीघ्र अकाल रात कार्य खोले जाए। हालात बड़े विचित्र है, डेजर्ट क्षेत्र है मेरे विधानसभा क्षेत्र में आधे से ज्यादा, और नहरी क्षेत्र की हालत ये है अध्यक्ष महोदय, पशुओं की भी हालत बहुत बुरी, दयनीय स्थिति है। तो सरकार समय रहते हुए व्यवस्था करे, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। जय हिंद। श्रीमती इंदिरा देवी, 295, श्री नारायण बेनीवाल, श्री रामस्वरूप लांबा, श्रीमती कल्पना देवी,